Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अचानक तबीयत खराब हो गई है। उन्हें बीती रात सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेल से आने के बाद आजम खान ने अपने समर्थकों से कहा था कि वो स्वस्थ नहीं है। उन्होंने इलाज के लिए 2 हफ्ते का समय भी मांगा था। इसके बाद आजम खान अपने बेटे के साथ इलाज के लिए दिल्ली आ गए हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फशाहत अली खान शानू ने कहा कि आजम खान को दिल्ली सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आजम खान की बीती रात तबीयत खराब हो गई थी। आजम खान की तबीयत खराब होने के बाद उनके समर्थक चिंतित हो गए हैं और रिहा होने के बाद आजम खान रामपुर पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें लखनऊ पहुंचकर विधायक पद की शपथ ली थी और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, लिहाजा रामपुर पहुंचकर उन्होंने करीब 2 दिन तक अपने घर में आराम भी किया। वहीं बात करें तो 27 महीने बाद आजम खान ने 20 मई को सीतापुर जेल से रिहा हुए और सीतापुर जेल में भी आजम खान की 2 बार तबीयत खराब हो चुकी है और दोनों बार लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और पिछले साल मई में आजम खान कोरोना संक्रमित भी हो गए थे, जिसके बाद हालत जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गई थी और आजम खान को लेकर उस कोरोना काल के दौरान तमाम तरीके से बातें हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से आजम खान जेल से बाहर आए हैं उसके बाद लगातार उनको लेकर चर्चा हो रही है, तो कहा यह जा रहा है कि जो आजम खान हैं उनका अखिलेश यादव से बनता नजर नहीं आ रहा है और वो एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं, जिसको लेकर शिवपाल सिंह यादव लगातार सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आजम खान और उनके समर्थकों के लिए एक बुरी खबर आ गई है कि आजम खान की तबीयत खराब हो गई है और उनको गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक छोटा सा अपडेट था, मुझे आप सभी को बताना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.